नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं नीट परीक्षा मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी जानकारी दी। एनटीए ने कहा कि नीट में जिन बच्चों ने ग्रेस मार्क्स हासिल किए हैं, यानी कि 1563 छात्रों ने, उनके पास अब दोबारा परीक्षा का ऑप्शन होगा। 23 जून को ये परीक्षा करवाई जाएगी और 30 जून से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद नीट की काउंसलिंग होगी। हालांकि दोबारा छात्र एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं, ये उनका खुद का फैसला होगा, लेकिन अब उनके रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स जो मिले थे, उन ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन उन छात्रों के पास नीट की परीक्षा दोबारा देने का ऑप्शन है। 23 तारीख को ये परीक्षा होनी है, कराई जाएगी परीक्षा। छात्रों को फैसला लेना है कि वो ये परीक्षा वापस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। जो छात्र 23 तारीख को परीक्षा देंगे, उनका रिजल्ट 30 तारीख तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अब उनके रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स एड नहीं किए जाएंगे। चाहे वो परीक्षा देते हैं, चाहे फिर वो परीक्षा नहीं देते हैं, ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जो उनके मार्क्स आए थे नीट के एग्जाम में विदाउट ग्रेस मार्क्स, यानी कि बिना ग्रेस मार्क्स के, वो उनका रिजल्ट काउंट किया जाएगा, वो मार्क्स काउंट किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। अब नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में अपना पक्ष रखा है। एनटीए ने कहा है कि छात्रों के पास ऑप्शन है कि दोबारा वो परीक्षा देते हैं या नहीं देते हैं, ये उनका छात्रों का खुद का फैसला होगा। 23 तारीख को ये परीक्षा होगी, 30 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपको दिखाते हैं सवालों के जवाब क्या मिले हैं। सवाल था कि क्या ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए। हाँ, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला लिया है। अगला सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या सभी छात्रों को परीक्षा देनी होगी? नहीं, 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी, लेकिन यह उनका खुद का फैसला होगा। छात्रों की परीक्षा कब होगी? 23 जून को इन 1563 छात्रों की परीक्षा होगी। ग्रेस मार्क्स वाले छात्र अब क्या करेंगे? या तो परीक्षा देंगे या बिना ग्रेस मार्क्स के अपने काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। क्या काउंसलिंग पर रोक लग गई है? नहीं, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है। दोबारा जो परीक्षा होनी है 23 तारीख को, उसके बाद काउंसलिंग होगी। क्या नीट विवाद पर अब पूरा फैसला आ गया है? नहीं आया है। 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। क्या पेपर लीक की बात स्वीकार की गई है? नहीं, सरकार और एनटीए दोनों ने ही इसका खंडन किया है। तो ये तमाम सवाल जो छात्रों के मन में थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं उनके मन में थे, ये उनका फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने नीट को लेकर अब अपना पक्ष रख दिया है और 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए। एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के पास दोबारा परीक्षा का ऑप्शन होगा। 23 दिन को एग्जाम होगा, 30 को रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन ये ऑप्शन है। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए, 4,500 सरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े चार हजार सेंटर देश भर में होती है, अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है, खाड़ी की देशों में होती है, पड़ोस की देशों में होती है, और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा,
आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमिटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया उसमें कुछ विद्यार्थियों के नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमिटी बिठाई, एकेडमिक्स कमिटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया। और तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने छात्रों को एक बार फिर यह आश्वासन दोहराया है कि जिस तरह से जो भी चीजें हुई हैं भविष्य में तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाएगा और छात्रों को बिल्कुल भी अपने भविष्य को लेकर आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह समस्या आई, किस तरह से ग्रेस पास दिए गए, उन तमाम चीजों को यहां पर बता रहे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र भदौरिया है भोपाल से, साथ ही युगल तिवारी भी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, मैं पहले आपका रुख करूंगी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है, वहां के छात्र क्या संतुष्ट हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए ये ग्रेस है, ये कि सुनियोजित तरीके से दी गई वाली कृपा है। जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे हमारे छत्तीसगढ़ के छात्र क्या कहते हैं, किस तरह से कितना वो संतुष्ट हैं बताएंगे। अभी जो फैसला आया है क्या लगता है कितना प्रभाव डालता है आप लोगों पर ये? जी देखिए, ऐसे मेरे हिसाब से तो ये कोई प्रभाव तो डाल नहीं रहा, अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा है। लाइक 23 लाख स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोग सुसाइड भी देखा गया है कि मतलब कोई छत से कूद जा रहा है या जो भी, मतलब वो सारे बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम रिकंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी को ग्रेस मार्क्स देना जिसमें जिस एग्ज़ाम में एक मार्क्स में 1000 स्कोर्स फ्लक्चुएट होते हैं, रैंक फ्लक्चुएट होता है, उसमें आप ऐसे कैसे किसी को ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं और पेपर कहीं लीक हो जा रहा है, तो वो चीज़ मैटर करते हैं। एनटीए सवालों के घेरे में है सर, एनटीए को फिर से एग्ज़ाम करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो स्कोर आ रहे हैं उसकी वजह से उनके कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, उनका फ्यूचर दांव में लग गया है। कई स्टूडेंट इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है उनको, और जिनको तो स्कोर मिला है वो तो कई जन को मिल भी रहा है और कई जन इतने डिप्रेशन में चले गए हैं नहीं मिल रहा है उसकी वजह से, इसलिए एनटीए को फिर से एक बार री एग्जाम। तो यहाँ पर छात्र चाह रहे हैं कि एनटीए को फिर से एग्जाम करवाना चाहिए और ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए, उससे खुश भी हैं। इंदौर से मिथिलेश और सुशील भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उमेश पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ यहाँ पर, वहां पर बिलासपुर में छात्रों का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल अपर्णा जी, मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं नीट के, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, 1563 बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा जो ग्रेस मार्क लाए हैं, क्या लग रहा है? किसी भी परिस्थिति में एक सर्वमान्य फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर ऐसा मानना है नीट का, नीट के 25 लाख स्टूडेंट हैं उसमें 1500 बच्चों को अगर एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो
क्या ही होना है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट के स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हुआ उसी समय से पटना, हरियाणा, बहुत से ऐसे प्रदेश में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो लोग कौन है पेपर लीक कांड में, और पटना के शास्त्री नगर थाने में FIR किस नाम से पंजीबद्ध की गई है भाई। जब तक सरमान एक फैसला नहीं आएगा कि पूरे बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा, कि पूरे बच्चों को ऐसा फैसला, जब NTA यहाँ तक झुकाव बन गया है NTA के ऊपर कि आपको 1563 बच्चों को एग्जाम दिलाना है, मतलब NTA की गड़बड़ी है। और NTA ये कैसे साबित कर लेगा कि हमने सिर्फ 1563 बच्चों में गड़बड़ी की है, उसने 2500000 बच्चों के साथ गड़बड़ी की है। पहले के एवरेज मार्क्स आते थे 8-10 प्रत्येक साल में, अब के इस बार एवरेज ईयर आए हैं, एवरेज मार्क्स आए हैं 70-80 मतलब समझ रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है इसमें। तो बच्चे अस्वस्थ हैं इस चीज़ से, पूरे देश के छात्र, और मैं तो अपने प्रदेश भर के छात्रों से संवाद भी किया हूँ, लगभग सब छात्र यही है कि एग्ज़ाम में दोबारा देना मंजूर है, लेकिन जो एग्ज़ाम फीस है उस एग्ज़ाम फीस को निःशुल्क रखना पड़ेगा, क्योंकि 1500 रुपये भी अगर एवरेज मार्क्स एवरेज अमाउंट माने कि तो उसका 375 करोड़ रुपए लगभग धांधली भी सामने आ रही है। जी आप बताइए किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि ये फैसला सही है, क्योंकि 1563 बच्चे बस पेपर नहीं दिलाए थे 24 लाख से अधिक, छत्तीसगढ़ से दिलाए थे 45 से 50 हज़ार लोग, बाकी अन्य राज्यों से दिलाए थे। क्या सुप्रीम कोर्ट ये करना चाह रही है क्या कि 1563 लोगों का मार्ग जो मिला हुआ तो है पर इस फैसले से खुश नहीं है, पेपर लीक भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सुशील पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, जरा बताएं इसको लेकर, जो पेपर लीक को लेकर क्या कहा गया आज कोर्ट में, क्योंकि तमाम अलग अलग छात्रों के रिएक्शन यही है कि ये पूरा न्याय नहीं है। सुशील ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी, मिथिलेश का अभी रुक कर लेते हैं, सुशील का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद, मैं वापस लौटूंगी आपके पास सुशील इसी सवाल को लेकर। मिथिलेश आप बताएं वहां पर क्या रिएक्शंस हैं। देखिए इस वक्त मेरे साथ में नीट के बच्चे मौजूद हैं, इनसे हमने भी समझा कि आखिर दिक्कतें कहाँ पे हुई और फैसले के बाद में इनका क्या कुछ कहना। सबसे पहले इनका ये कहना है कि 2023 में 600 प्लस जो स्कोर था उसमें 26,000 बच्चे थे, लेकिन 2024 में 76,000 हो गए यानी 76,000 बच्चे हो गए। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जब ग्रेस मार्क दिया गया था तो ग्रेस मार्क देने के पहले उन्हें क्यों नहीं बताया गया था, उनके जो लिस्ट है वो सामने क्यों नहीं लाए गए थे, और जहाँ जहाँ पर परीक्षा लेट हुई थी, जहाँ कितने गई थी, उसे जो पोर्टल है उस पर वो लिस्ट को अपडेट क्यों नहीं किया गया, उन्हें उसकी जानकारी क्यों नहीं थी। इसके साथ वो चाहते हैं कि जो 1563 ही बच्चे हैं क्या सिर्फ, क्या यही नंबर या नंबर और बढ़ सकते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत भी करेंगे। तो नीट को लेकर क्या कह रहे हैं सर? सबसे पहले तो अभी एक और न्यूज़ सामने आ रही थी कि एक दिन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई थी, जिसमें कुछ बच्चों ने फिर से अप्लाई किया था, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। तो और फिर मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हीं जो आठ एक ही सेंटर से आठ बच्चों के सेम टॉप मार्क्स आए हैं, 720 प्लस ही मार्क्स आए हैं, मतलब 720 मार्क्स आए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो एक दिन में उस और जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल हुए हैं, तो क्या उनको वो सेंटर मिला है? ये वाला डाटा भी NTA ने अभी हमको कुछ भी नहीं बताया है। उसके बाद मन में ये भी है क्या कि जिस सेंटर्स में उन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका स्कोर कितना है? उनका स्कोर सर मैं बता रहा हूँ ना, जो लिस्ट एक NTA ने सबसे जिस दिन रिजल्ट आया था 4 जून को। हाँ सर ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि आपने 14 जून से पहले 4 जून को ही रिजल्ट दे दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोल रहे हो कि हमारा कुछ भी हमने गलत नहीं किया है, तो ये गलती क्यों छुपाई गई फिर मीडिया की? NTA को लेकर अभी भी कई सारे सवाल छात्रों के मन में हैं और जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। सुशील आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी पढ़ना। सुशील एक तो पेपर लीक को लेकर भी छात्र कह रहे हैं कि अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, NTA ने सिर्फ 1563 छात्रों की ही बात कही है, लेकिन सभी छात्रों का वापस एग्जाम होना चाहिए, और जो एक ही साथ एक ही इंस्टीट्यूट से टॉपर्स निकले हैं उसको लेकर भी डाउट है। जी देखिए अपर्णा, आज NTA ने तीन महत्वपूर्ण बातें कही। पहला कि जो उनके पास डेटा है उस डेटा के हिसाब से 1563 छात्र हैं उनका री एग्जामिनेशन कराया जाएगा और उनके ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया जाएगा। पेपर लीक की बात जो सामने आ रही है, पेपर लीक के मामले में NTA ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वो छात्रों के हित को लेकर पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और ऐसे में तमाम छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस पूरे मामले में वो जांच को लेकर, जैसा एनटीए ने भी कह दिया कि 1563 बच्चों का ही परीक्षा कराया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले में सब कुछ सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विंडो ओपन रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उसके समक्ष कोई ऐसा तथ्य आने वाले दिनों में आएगा और ये पता चलता है कि वाकई जो नीट की परीक्षा हुई है। फिर सिग्नल फ्रीज हो गया है सुशील, लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र भदौरे का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आप बताएं वहां पर, क्योंकि हमने देखा किस तरह से छात्र मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जो आज को सुनवाई हुई और जो ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं, क्या छात्र संतुष्ट हैं उसे लेकर? बिल्कुल अपर्णा, मैं इस वक्त एमपी नगर के कोचिंग सेंटर्स में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे पहले बात करेंगे। सर, जो ग्रेस मार्क को वापस लेने की बात कही है, उससे आपको क्या लगता है, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, पहले तो ये जो ग्रेस मार्क्स नीट से हटा दिए गए हैं, ये अच्छी चीज़ है और हम लोगों की मतलब एक छोटी सी सफलता तो इस फील्ड में मिली है या इस अभियान में मिली है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो ये नंबर 1563 का है, ये मुझे लगता है कि अभी भी एक कम नंबर है जो कि अभी भी छुपाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा वो नंबर है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो इस जो फैसले से 1563 बच्चों को वापस से एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है या फिर अपने मार्क्स को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो जो उनके एक्चुअल मार्क्स होंगे उसमें से बोनस मार्क्स को हटा दिया गया या ग्रेस मार्क्स को हटा दिया गया। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि उससे ज़्यादा कट ऑफ में फ़र्क नहीं आएगा, ना तो रैंक में ज़्यादा फ़र्क आएगा, 19-20 का भी फ़र्क मुझे नहीं लगता किससे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर बच्चों के 70,000 रैंक आ रहे हैं उसमें 1500 रैंक से क्या फर्क पड़ेगा। जी, कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये जो नतीजे आए, इसको आप कैसे देखते हैं और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या लगता है आप लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा इसका? क्यों नहीं पड़ेगा, जब बच्चे एक साल मेहनत करते हैं उसके बाद रिजल्ट ऐसा आता है तो बच्चों को क्या ये नहीं लगेगा कि अब अगले बार उनके माता पिता उनको पढ़ने की अथॉरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हो सकता है किसी बच्चे का आखिरी साल हो, और लड़कियों को तो वैसे भी ज़्यादा वो नहीं करते कि अरे ये क्या पढ़ेंगी, तो अगर मौका मिलता भी है तो हम इसी में अपना पूरा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर एनटीए ऐसा करता है तो फिर हमारा क्या होगा, फिर ऐसे तो डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ देंगे लोग। जी, 8 तारीख को एक फिर से एक सुनवाई भी है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो जो आपके पक्ष में रहे? अगर पेपर हो तो सभी का हो, सभी को पेपर देने का मौका मिले, केवल 1500 या 1600 बच्चों को ही ना मिले, ये चाहते हैं हम। आप क्या चाहते हैं? सर, मैं भी यही चाहती हूँ, अगर मतलब जस्टिस हो रहा है तो सिर्फ उन्हीं, मतलब बाकी लोगों का क्या, मतलब जस्टिस हो रहा है तो सभी का होना चाहिए ना, इसलिए जब अगर रीनीड हो तो सभी का हो। जी सर, डॉक्टर अमित गुप्ता जी अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार की तरफ से भी तमाम सफाई दी जा रही है कि पेपर बदल गया था इसलिए उनको ग्रेस मार्क दिया गया, पहले से ही स्टैंडिंग ऑर्डर है इसलिए दिया गया, तो क्या लगता है कि सरकार अब उसको डिफेंस करने में लग गई है और आप लोग क्या चाहते हैं? ऑफकोर्स है कि सरकार अपने हिसाब से जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन हम सरकार के कहीं अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एनटीए ने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, इस बात को सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और आज जो एनटीए का एश्योरेंस आया है उसमें कुछ हद तक जस्टिस तो बच्चों को मिला है, बट ये कम्प्लीट जस्टिस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इसमें उन बच्चों को नीट देने का वापस मौका मिल रहा है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो कि स्वागत करने योग्य है ये फैसला, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जिन बच्चों ने हाई कोर्ट में केस नहीं किया था कि उनका भी टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि टाइम तो इन बच्चों का भी वेस्ट हुआ है ना, तो फिर इनको भी तो रीनीट का मौका मिलना चाहिए। यहाँ फर्क इसलिए, मतलब कि न्याय मिला है लेकिन वो पूरा नहीं, अधूरा है, क्योंकि सभी बच्चों ने कोर्ट में केस नहीं किया था, हर बच्चे के पास लीगल एडवाइजर नहीं होते हैं, ना ही इतना पोटेंशियल होता है कि वो ना कोर्ट में केस कर सके अगर उसका एग्जाम हॉल में 15-20 मिनट टाइम वेस्ट हुआ है, बट वो तो बहुत सारे बच्चों का हुआ है, फिर से 1560 बच्चों को ही क्यों। और भी कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग, और इस बार जो एग्ज़ाम के रिजल्ट आए आप लोगों को कैसे रिजल्ट रहे, और क्या लगता है अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या स्थिति होती? जी, जो इस बार जो रिजल्ट आया है, मतलब रिजल्ट आने से पहले जो हम लोगों ने मतलब कि जो खुद से चेकिंग की थी उसके अकॉर्डिंग सब लोग बहुत खुश थे कि मतलब कि सभी के इतने नंबर आ रहे थे कि वो इस बार MBBS कॉलेज में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही जो ऑफिशियल रिजल्ट आया उसके बाद जैसा रिजल्ट रहा, मतलब कि जो ग्रेस मार्क का चला और बच्चों के नंबर जो कम आए हैं उसके बाद है ना जी, कुछ कहना ही नामुमकिन है, क्योंकि इतना मतलब पहली बार नीट के एग्जाम में पहली बार ऐसा तो हुआ है। शैलेंद्र, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, चाहे इंदौर की बात हो, भोपाल की हो, रायपुर की हो, या फिर बिलासपुर की, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जगहों में रहने वाले छात्र हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, और उनका यही एक मांग निकल कर सामने आ रहा है कि सभी छात्रों को दोबारा से एग्जाम देने का मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया।
आप सभी का इस पूरी बातचीत के लिए, छात्रों से बातचीत करने के लिए, उनके जो डाउट्स हैं उन्हें सामने लाने के लिए। और देखिए यहां पर एनटीए ने साफ कर दिया है कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। ऐसे में 1563 छात्रों को परीक्षा देने का ऑप्शन एनटीए ने दिया है। 23 तारीख को वो परीक्षा होगी, विकल्प है अगर आपको देना है। अगर आप उन 1563 छात्रों में से हैं तो आप चाहे तो आप परीक्षा दे सकते हैं, नहीं चाहे तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब आपके मार्क्स में ग्रेस मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। नीट रिजल्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को फिर से देना होगा एग्जाम। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जबलपुर में साइबर ठगों का नया प्लान, नीट परीक्षा की आड़ में साइबर ठगों का प्लान, 2.5 लाख से 4 लाख में मनचाहे कॉलेज में एडमिशन का दावा। एमपी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ कर दी सौगात। अमरवाला विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज, 14 से 21 जून तक भरे जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म्स। धार में भोजशाला का 84वें दिन का सर्वे जारी, सर्वे में जुटी है एएसआई की टीम। मुरैना में फूड पॉइजनिंग का कहर, 24 लोग पड़े बीमार, अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, नाराज बुजुर्ग ने खुद को मारे चांटे। भोपाल में मंत्रियों के बंगले के निर्माण के लिए हजारों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने शुरू किया चिपको आंदोलन। अशोकनगर में किसानों का चक्का जाम, खाद नहीं मिलने पर किसान नाराज। भोपाल में बड़ी संख्या में नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। रायसेन चिनकी बोरास परियोजना में हादसा, मिट्टी धंसने से नीचे दबने से गई जान। ग्वालियर में छात्र आत्महत्या मामले में केस दर्ज, शिखर कोचिंग संचालक और 2 टीचर्स पर FIR। मुरैना में कांस्टेबल रचे खुद के ही अपहरण की साजिश, पत्नी को फोन कर मांगी 40 लाख की फिरौती। नर्मदापुरम में आरटीओ की सख्ती, नाबालिगों के बाइक चलाने पर काटा चाला। इंदौर पुलिस की नई पहल, हर दिन अलग अलग थानों में जनसुनवाई, दोपहर 12 से 2 बजे तक सुनेंगे समस्या। ग्वालियर में शैक्षणिक सत्र से पहले पुलिस की तैयारी, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है पुलिस। महाकाल के दरबार में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की पूजा अर्चना। सतना में तेंदुए की दहशत, तेंदुए ने भैंस का किया शिकार। सतना में दलदल में फंसा मिला था शावक, इलाज जारी। एमपी में प्री मॉनसून की एक्टिविटी तेज, 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। खबरें लगातार जारी है, यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।